कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ल को सारे फैंस, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करते, अटेंशन के चक्कर में सपोर्ट करते हैं सिद्धार्थ को। अब ऐसा क्यों होता है वो चीज़ अभी तक कुछ समझ में नहीं आ पाई है। सिद्धार्थ शुक्ला को जान करके मेंशन करते हुए ट्वीट करते हैं ताकि वहाँ से रिप्लाई मिल सके और अटेंशन आ जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ फैंस ऐसे हैं जो अच्छे ट्वीट्स भी करते हैं, कुछ फैंस ऐसे हैं जो वाकई में इरीटेट कर देते हैं, हमें खुद इरीटेटिंग होने लग जाती है। तो यार वो तो फिर भी शुक्ला जी हैं, ऐसे पता नहीं कितने ट्वीट्स में वो सामने आते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कोई राधिका है, ये इनका कहना है सिद्धार्थ शुक्ला को मेंशन करते हुए, सिद्धार्थ ये क्या चल रहा है, कल से बताओ जरा, पहले कहते हो यू ऑल आर लाइक माय फैमिली, यू लव सपोर्ट एंड हॉनेस्ट फीडबैक इज ऑल आई नीड, फिर लोग हॉनेस्ट फीडबैक दे तो आप ऐसे थ्रूबैक लाइक करते हो जहां लिखा होता है डोंट गिव ज्ञान टू सिद्धार्थ। दरअसल एक वारदात हुई थी, वारदात क्या, एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर डोंट गिव ज्ञान कुछ ऐसे करके था और वो सिद्धार्थ ने लाइक किया होगा मे भी, तो उसके ऊपर ये बड़ा मुद्दा चल रहा है। और नीचे ये ट्विंकल जी का कोई रिप्लाई है, दी एक बात बोलूँ, उसका उनका इंटेंशन ये नहीं था कि ज्ञान एंड डिक्टेट वर्ड्स को वो सपोर्ट करता है, उसका क्लीन मतलब था हम परेशान ना हो, जब टाइम आएगा वो प्रमोशन करेगा, वही पेज लाइक किया उसने, उनको अगर इतना भी नहीं समझ सकते तो हम सिद्धार्थ क्यों बने, हिज कमेंट सेक्शन इज फुल। तो यहाँ पर इनका ये होता है। अब इसके नीचे सिद्धार्थ शुक्ला भी रिप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, 10 बार पढ़ा ये ट्वीट, अब इसका गलत मतलब ना निकले, ये सिद्धार्थ शुक्ला का कहना होता है। यही नहीं, अगला ट्वीट होता है आवर कंसर्न्स सजेशंस और हॉनेस्ट फीडबैक व्हाटएवर वी से इज ऑल फॉर द गुड रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सिद्धार्थ एंड वी से इट फ्रीली टू यू सिद्धार्थ बिकॉज यू गेव अस सच फ्रीडम ऑफ बींग वोकल टू यू, नॉट दैट वी वॉन्ट टू गिव ज्ञान, वी ऑलवेज वॉन्ट द बेस्ट थिंग हैपन फॉर यू, ये सब इनका कहना होता है। और नीचे सिद्धार्थ शुक्ला रिप्लाई करते हैं आई रिस्पेक्ट डैट बट कांट बी डिस्कसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ रिपीटेड सजेशंस, आई होप यू ऑल हैव इन इट इन यू अंडरस्टैंड, ये सिद्धार्थ शुक्ला का कहना होता है। मतलब इतने सारे तरह तरह के ट्वीट्स हैं जो वाकई में इरीटेट कर देने वाले हैं और सिद्धार्थ शुक्ला उनको रिप्लाई दे देकर थक गए। अगर हम अगले ट्वीट्स पर नजर डालें तो सिद्धार्थ यहाँ पर, ये तो हमने ऊपर वाला पढ़ लिया है, अब अगर आंटी या आपकी सिस्टर्स या फ्रेंड्स आपको बोले कि ऐसे कर ऐसे मत कर तो क्या आप उनसे ये कहते हो कि डोंट गिव मी ज्ञान बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस एक्टर एंड आई नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, नहीं ना, जैसे उन्हें सब पता नहीं होता वैसे फैंस को भी पता नहीं होता। इनका कहना ये कि अगर आपको आपके फैमिली वाले समझाएं तो आप क्या उनसे भी यही सब कहोगे कि डोंट गिव मी ज्ञान, वो सिद्धार्थ शुक्ला की बात का यहाँ पर रिप्लाई दे रही हैं। और इनका कहना यह है आई एम अ गुड एक्टर, अब ये बताओ यार सिद्धार्थ से अच्छा एक्टर कौन हो सकता है, सिद्धार्थ से अच्छी कलाकारी और कौन कर सकता है, जो अभी तक हमने सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टिंग्स वगैरह देखी हैं जहाँ जहाँ पर सिद्धार्थ ने अपना परफॉर्मेंस दिया, एक्सप्रेशन दिए, तो उससे अच्छी एक्टिंग क्या होगी भाई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धार्थ को एक्टिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम अ गुड एक्टर, मतलब इनका कहना ये है कि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस एक्टर हूँ इस वजह से सारी बातें जो है वो सामने लाकर रख रही हूँ। हालांकि मैं खुद इन सारे ट्वीट्स को लेकर के बहुत इरिटेट हो गया और सिद्धार्थ तो इरिटेट भाई ना हुए वो ऐसा हो नहीं सकता। बाय द वे ट्विटर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैल रही है और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने के लिए, बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने के लिए भी सिद्धार्थ को मेंशन कर करके अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं और अलग अलग ट्विटर हैंडल अकाउंट से शेयर कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, अगर इसका जवाब आपके पास हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि सारी ही अपडेट्स पल पल की आपसे मिस ना हो।